नेम प्लेट पर राजनीति हुई शुरू। मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना। दुकान पर नाम लिखना विपक्ष को नहीं आया रास। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे आदि पर मालिकों या मैनेजरों के नाम लिखवाने के आदेश को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने इसे ध्यान बटाने वाली राजनीति करार दिया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर भी बयान दिया। मायावती ने कहा कि यूपी सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि में मालिक मैनेजर का नाम पता के साथ ही कैमरा लगाना अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कावड़ यात्रा के दौरान कार्रवाई की तरह ही इसकी भी फिर से चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा ये सब खाद्य सुरक्षा हेतु कम जनता का ध्यान बांटने के लिए की गई राजनीति है। मायावती ने आगे कहा कि वैसे तो खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि को लेकर पहले से ही काफी सख्त कानून है, फिर भी सरकारी लापरवाही, मिलीभगत से मिलावट का बाजार तब भी गर्म था, अब भी गर्म है, किंतु अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने आदि से क्या मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा। वहीं तिरुपति मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू में चर्बी की मिलावट की खबरों ने देश में लोगों को काफी दुखी और उत्पलित कर रखा है और जिसको लेकर भी राजनीति जारी है। धर्म की आड़ में राजनीति के बाद अब लोगों की आस्था से ऐसे घृणित खिलवाड़ का असली दोषी कौन है, ये चिंतन जरूरी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 सितंबर को निर्देश दिया था कि सभी दुकानों के मालिकों को अपने दुकान पर अपना नाम पता के साथ साथ दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवाना होगा। सीएम ने खाद्य पदार्थों में थूकना और पेशाब करने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर करती है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो। ऐसे में अब देखा जाए तो धीरे धीरे इस मामले को लेकर जिस तरीके से कावड़ यात्रा के समय में भी नेम प्लेट को लेकर राजनीति गरमाई थी, वैसी ही राजनीति उत्तर प्रदेश में गरमाती जा रही है और विधानसभा के उपचुनाव के नजदीक आते ही इस पर सियासत और तेज होती हुई दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।